प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के साथ रीवा जिले की 6, मऊगंज जिले की 2 सीटों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 8 सीटों पर नजर डाली जाए तो एक चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। सिमरिया विधानसभा में 73.52% महिलाओं ने मतदान किया, वहीं गुड़ विधानसभा में ये आंकड़ा था 73.2% का। इसका सीधा सा अर्थ है 8 विधानसभा में रीवा को छोड़कर सभी सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बाजी मारी। क्या इसको लाडली लक्ष्मी बहना का असर माना जा सकता है? अगर ये लाडली लक्ष्मी बहना का असर है तो परिणाम 8 की 8 सीटों पर क्या होंगे, ये आप तय कर सकते हैं। नजर डालते हैं सिरमौर विधानसभा की 243 मतदान केंद्रों पर। यहाँ पर पुरुषों ने 60.98% मतदान किया तो महिलाओं ने इनसे लगभग 7% ज़्यादा 67.88% मतदान किया। दोनों को जोड़कर आंकड़े निकाले जाएं तो ये होता है 64.24%। नज़र डाली जाए गुड़ विधानसभा पर तो यहाँ पर 256 मतदान केंद्र थे, यहाँ पुरुषों ने 68.65% मतदान किया तो महिलाओं का आंकड़ा 5% बढ़कर 73.2% था। ओवरऑल 70.74% मतदान गुड़ में हुआ। सिमरिया विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 241 मतदान केंद्रों में 68.27% पुरुषों का मतदान था तो 73.52% पुरुषों से लगभग 5% ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया 70.68%। त्योथर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 231 मतदान केंद्र बनाए गए थे, पुरुषों का मतदान प्रतिशत था 65.24%, महिलाओं का 7% मतदान यहाँ पर ज़्यादा था 72.31%। इसका सीधा सा अर्थ है यहाँ मतदान हुआ 68.59%। नवनिर्मित जिले मऊगंज में 251 मतदान केंद्र थे, यहाँ पर पुरुषों का मतदान प्रतिशत था 63.92%, वहीं महिलाओं का लगभग 9% मतदान ज़्यादा था 72.49%। ओवरऑल 68.02% मऊगंज में मतदान हुआ। बात की जाए देवतालाब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के इलाके की तो यहाँ पर 267 मतदान केंद्र बनाए गए थे, पुरुषों ने 59.92% मतदान किया, महिलाओं ने 66.84%। ओवरऑल 63.22% यहाँ पर मतदान हुआ। मनगांव विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक मतदान केंद्र थे 281, यहाँ पुरुषों ने 59.32% मतदान किया तो महिलाओं ने 65.65%। ओवरऑल आंकड़ा निकल कर आया 62.32%। 4 बार के विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ला के इलाके रीवा विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर 244 मतदान केंद्र बनाए गए थे, पुरुषों का मतदान प्रतिशत था 69.31%। यहाँ पर सर्वाधिक मतदान पुरुषों ने किया, महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पर 2% कम था 67.32%। ओवरऑल 68.74% मतदान हुआ। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। रीवा को छोड़कर सभी विधानसभा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। काफी ज्यादा अंतर देखने में नजर आया पुरुष और महिलाओं के मतदान प्रतिशत पर नजर डालने की, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अगर इसको
ये माना जाए कि ये लाडली लक्ष्मी बहना का असर है तो 8 की 8 सीटों पर परिणाम निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। ये एक बेहतर बात हो सकती है उन लोगों के लिए जो आंकड़ों के हिसाब से परिणाम निकालने में विश्वास रखते हैं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।